बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिक्स लेक्चर है, ठीक है, ये शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी हम किन चीज़ों से मुख्तलिफ चीज़ों को मेयर कर सकते हैं उसके बारे में है। ये सबसे पहले है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास एंड टाइम। अब देखें, आपको पता है कि हमारे पास जो लेंथ है इसको हम किलोमीटर में भी मेयर करते हैं और मीटर में भी मेयर करते हैं, ठीक है। मास को किस में, किलोग्राम में मेयर करते हैं और ग्रामों में भी मेयर करते हैं, ठीक है। टाइम को क्या है, सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। आवर में भी मेजर करते हैं। ये मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको पता हुआ है ना कि हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। लेकिन जो एसआई सिस्टम है वो तो आपको पता है। एसआई सिस्टम मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें एक मीटर होता है, एक किलोग्राम होता है और एक सेकंड होता है। ये एसआई सिस्टम, ठीक है, समझ आई ना। लेकिन जो आम हमें पता है कि हम मुख्तलिफ जितनी लेंथ की जरूरत होती है उसके मुताबिक हम मेजर करते हैं। मसलन हम बहुत दूर जा रहे हैं तो किलोमीटर लेंगे, अगर थोड़ा फासला मालूम कर रहे हैं तो मीटर में हम मेजर कर लेते हैं। 100 मीटर है, 200 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से अगर लंबा फासला है तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हम इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। इसके बाद है वॉल्यूम, ये भी आगे आ रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ कुछ कर लें, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है और ये भी मीटर होता है। इसको हम कहते हैं क्यूबिक मीटर, क्या कहते हैं, क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम के यूनिट हो गए। क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, अगर ये तीनों सेंटीमीटर के यूनिट हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर आप लगा दें, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आएगा आप। तो ये हम किस तरीके से इसको मेजर करते हैं ये आप समझ, ठीक है। इसके अलावा टाइम है, वो सेकंड में होता है, आवर में होता है, और इससे कम है तो जो है वो भी हम मेयर कर सकते हैं। आजकल तो हर चीज मुमकिन है, साइंस इतनी तरक्की कर गई, आपको पता ही। ये क्या, कौन सा, जी हमजा क्या कहते हैं, अली हमजा क्या कहते हैं, हमजा मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। वॉल्यूम अभी मैंने बताया, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। हाँ वॉल्यूम का है, ये भी मैंने बताया था। अच्छा जी, इसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन द, और जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था ना, वो सबसे पहले एक जो वो इतने रिलायबल और एक्यूरेट नहीं थे। रिलायबल का मतलब ये है कि काबिल एतबार और दुरुस्त नहीं थे इंस्ट्रूमेंट। आज की नस्बत, आज आपको पता है डिजिटल वॉच है, इसके अलावा चले हम अच्छे से अच्छा, यानी बड़ी एक्यूरेट टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, और बहुत पुराने जमाने में तो बिल्कुल ही जो घड़ी थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कह रहे हैं सन डायल, ये आप नेट पे देख लें, आपको मिल जाएगा सन डायल ये वाला, ठीक है। वाटर क्लॉक, ठीक है,
ये आप ये इतनी एक्यूरेट नहीं थी। सनडायल वो एक पिलर सा लगा होता था दरमियान में, डायरा लगा के दरमियान में, तो वो सूरज की साया जो है जिस तरफ जाता था तो वो पता चल जाता था कि अब ये टाइम हो गया। ठीक है, जैसे सुई मूव करते हैं ना वो साया यूज करो, तो वो टाइम फिर हम मालूम कर लेते। मैरिंग डिवाइसेस अराउंड 1300 AD वाज क्वाइट क्रूड। कहता है ये एडी का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, तो 1300 AD तक जो हमारे पास मैरिंग डिवाइसेस वो इतनी अच्छी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड डिजिटल आजकल जो है वो डिजिटल क्लॉक है, वॉचेज है, ये तो बहुत रिलायबल है, यानी हम बेहतरीन जो है वो टाइम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यूज नाउ डे आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। आजकल जो घड़िए हैं, मैकेनिकल वॉच आजकल की भी बहुत अच्छी है, ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद है मेयरिंग रोल, तो सॉरी दी मीटर रोल या मीटर रॉड भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो है बना होता है किसका, वुड का भी बना होता है, इसके अलावा ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है, कपड़े का भी हो सकता है। ठीक है, मीटर रोल इज ए लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। इसके एक तरफ जो है ना वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्केल है ये वाला, और ये छोटा जो है मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, जहाँ मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 मिलीमीटर, अगला 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, दरमियान में ये 5 मिलीमीटर, क्या है 5 मिलीमीटर, यहाँ पे 10 मिलीमीटर बन जाएगा, 10 लिखा हुआ ना, ये 10 मिलीमीटर। अच्छा, यूजली कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो फासले हम फासला मालूम करने के लिए लैब में या लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्केल इसका क्या होता है, इट इज 1 मीटर लॉन्ग विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसके बराबर होता है, 1 मीटर लंबा होता है जो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, क्या है 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और ईच सेंटीमीटर इज डिवाइड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। अब ये क्या है कि मिलीमीटर में हम मजीद तकसीम किए गए, हर सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, क्या है हर सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। दोबारा वो दिखा देता हूँ, ये देखें ये 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना आपको नजर आ रहा है, और ये 10 10 मिलीमीटर हमारे पास है सारे, क्या है 10 10 मिलीमीटर। ठीक है जी, 10 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन टेक यूजिंग ए मीटर रोल। अब इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कम से कम पैमाइश कितनी है, 1 मिलीमीटर, कितनी है 1 मिलीमीटर, इसको हम क्या कहेंगे लीस्ट काउंट। ये लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल होगा आपको, बल्कि एग्जाम में पूछेगा आपसे कोई, आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देके लीस्ट काउंट क्या होती है, यानी कम से कम पैमाइश जो उस, चलो हम मेजर कर सकते हैं इसको लीस्ट काउंट कहते हैं, वो कितनी है 1 मिलीमीटर, क्या है 1 मिलीमीटर, द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन, कम से कम ये इसकी तारीफ क्या होगी, द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट डेफिनेशन कैन बी टेकन यूजिंग मीटर रोल। मीटर रोल इस्तेमाल करते हुए जो कम से कम पैमाइश लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं लीस्ट काउंट कहते हैं,
हैं प्लीज काउंट, समझ आया? 10 मन मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग ए मीटर रूल। कम से कम डिवीजन जो हम जिसकी पैमाइश कर सकते हैं मीटर रूल इस्तेमाल करके, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। तो 1 मिलीमीटर है इसकी, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है। मसल ये मैं अभी मीटर रोड बना देता हूँ, इधर ही चलो यार। तो ये इसका 0 है, और आगे नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये कम से कम जो है कितना है, 1 मिलीमीटर, कितना है 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास मीटर रोल है या मीटर रॉड है, इसकी जो लीस्ट काउंट है या कम से कम पैमाइश, लीस्ट काउंट, लीस्ट का मतलब कम से कम, काउंट का मतलब पैमाइश ये कर सकते हैं, वो कितनी 1 मिलीमीटर कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो ये इसकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट, LC से हम इसको जाहिर करते हैं, लीस्ट काउंट। तो ये आगे हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट निकालेंगे वो फौरन आपको पता चल जाएगा कम से कम डिवीजन इसकी कितनी है, तो वो क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा उम्मीद है। अच्छा, अब हमें एहतियातें क्या करनी है, प्रीकॉशन, एहतियात क्या करनी है। पहले तो है व्हाइल मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। आंख आपकी रीडिंग पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, साइड से देखेंगे तो आपको गलती कर सकते हैं, यानी कोई एक्यूरेसी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो क्या है, बिल्कुल ये देखें, जैसे ये देख रहा है दूसरी बी फिगर में, ऊपर से देखें तो आपको एक्यूरेट नजर आएगा कि ये कितनी रीडिंग है इसकी, क्या है, कितनी रीडिंग है। तो ये हमारे पास कोई पेपर है, उसको हम देखना चाहते हैं इसकी लेंथ कितनी, तो बिल्कुल ऊपर से देखें, मीटर रोल या मीटर रॉड के ऊपर ऊपर से देखें। अगर आप साइड से देखेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। तो ये करेक्ट तरीका नहीं है, ये जो है रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई टू नोट द रीडिंग, आंख की गलत पोजीशन है ये पहले वाली। ठीक है, दूसरी करेक्ट पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई टू नोट द रीडिंग फ्रॉम ए मीटर रोल। एक मीटर रोल पे रीडिंग मालूम करने की ये बेहतरीन पोजीशन है। ठीक है, क्लियर। आगे है दी मेजरिंग टेप क्या होती है, यूजेस इसके, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने देखा होगा मेजरिंग टेप, ये जनरली स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर स्प्रिंग होता है, जैसे आप इसको यहाँ से हटाएं तो ये अंदर चली जाएगी। क्या है, अब अगर आप रोकना चाहते हैं तो इसको दबाएंगे तो ये इधर प्रेस होके इसका बटन है होगा अंदर जो इसको रोक लेगा वहीं पे। ठीक है, अगर आप इसको फिर एक दफा दबाएं तो वो प्रेस हट जाएगी और ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, देखा होगा आपने, उम्मीद है घर में भी होगा बाज बच्चों के लाल। ठीक है, यूजेस द मेजरिंग टेप आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। मेजरिंग टेप जो हम इस्तेमाल करते हैं मीटर और सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए, फिगर शोज द मेजरिंग टेप यूज्ड बाय द ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। अब कहते हैं ब्लैक स्मिथ, आपको पता है लोहा जो इस्तेमाल करते हैं, यानी लोहे की चीजें बनाते हैं, उसको दबाते हैं, कूटते हैं, चलो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं। गोल्ड स्मिथ क्या होता है, वो सोना वगैरह जो बनाता है, और लोहा जो बनाता है उसको हम ब्लैक स्मिथ या लोहार कह देते हैं। कारपेंटर क्या होता है, वो जो लकड़ी की चीजें वगैरह बनाता है उसको कारपेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपेंटर। फिगर शो ए मेजरिंग टेप यूज बाय द ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर कंस्ट्रक्शन। ए मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ ए थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन की बनी हो सकती है, मेटल की, प्लास्टिक की। ठीक है, तो ये जनरली जो है वो प्लास्टिक और मेटल की बनते बनाते, और ये 10 सेंट मिली 10 मीटर भी लेंथ हो सकती है उसके अंदर, 20 भी, 50 भी, और 100 मीटर लेंथ
लेंथ भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये आप देखते हैं कि हमें कितनी, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कितनी फरमाइश चाहिए, तो वो फिर हम उसके मुताबिक ही खरीदते हैं बाजार से, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, एक तो 10 मीटर, 20, 50 और 100 मीटर लेंथ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बनी क्या होती है, कॉटन की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जैसे वो उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है स्प्रिंग लगा होता है, जो उसको इस्तेमाल के बाद उसके अंदर जो है वो बैंड हो जाती है। मेजरिंग टेप आर मार्क इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचेस। मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा, तो ये इंच जो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के यूनिट है, ये आप ख्याल करें। ये आपको पता है सेंटीमीटर मीटर वगैरह जो है ये SI सिस्टम हम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है ये इंचेस जो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, तो अभी भी ये लगाते हैं ताकि बाज लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है इसकी इंचेस की, तो वो फिर हम उसके एक तरफ ये देखें, यहाँ पे एक ये स्केल जो है इस इंचेस का होता है, ऊपर जो है वो सेंटीमीटर का स्केल होता है, या एक तरफ ये सेंटीमीटर का स्केल है, दूसरी साइड अगर आप इसकी देख लें उसमें इंचेस का स्केल होगा, ठीक है। बच्चों कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं, आगे टॉपिक बड़ा है वो कल हम फिर शुरू करेंगे, वो है ये वर्नियर कैलिपर, इससे हम कैसे फरमाइश करते हैं, ये कल हम इंशाल्लाह इसको करेंगे, आपको उम्मीद है ये। अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो बस थोड़ा सा वो थर्सडे वाला या थोड़ा रिवाइज करा दे सर थोड़ा। बेटिया वो लेक्चर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। ओके सर फिर कोई मसला नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था नहीं रिवाइज करा। वो नहीं, रिवाइज क्या करना है बेटे, वो ऐसे करें ना, वो मेरा लेक्चर सुन ले, वो रिवाइज ही हो जाएगा। यस सर सॉरी सर। हाँ लेक्चर सुन ले ना, इसलिए तो मैं अपलोड कर देता हूँ, वो सुन ले बेटे, वो रिवाइज हो जाएगा आपका। हाँ फिर भी आपको कुछ समझ ना आए ना उसमें, तो आप यस फिर सर ऐसे करेंगे मुझसे पूछ लो, ठीक। ओके सर और कोई बच्चे सर पूछे क्वेश्चन? हाँ जी आशिम सर जी, बेटे पूछे क्या हुआ? सर कुछ होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क यही है जो मैंने यहाँ करता हूँ, ये आप लिख लें और इसको याद करें, ये इसमें ओके होमवर्क यही है। वो जो मैंने पहले भी पहले दिन ही कहा था कि यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, पूरा पूरा चैप्टर ही कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क में ये सारा है जो अभी तक मैंने किया, इसको लिखें भी और याद भी करें। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना, तो वो बाद में लेक्चर से आप नोट भी कर लिया करें कि ये नहीं है, मैंने इधर लिखा है, कोई क्वेश्चन हल किया है, क्योंकि कल बच्चा एक मेरे पास पढ़ने के लिए आना शुरू हुआ है घर पे, तो वो उस बच्चे ने क्या किया है कि कुछ जो मैंने न्यूमेरिकल या कुछ समझाया था ना, वो जिसमें वो पावर लगाते हैं प्लस में या माइनस में, वो कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो सारा था, लेकिन जो मैंने समझाया है वो नहीं लिखा हुआ था, तो वो ओके इसलिए सर ना करें आप। आप जो मैं यहाँ पे समझाता हूँ ना, वो भी आपने बाद में नोट कर लें लेक्चर के बाद, ठीक है। तो वो अब रिकॉर्डिंग देके वहां से आप नोट कर लें, या स्क्रीन शॉट ले लें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते ओके सर। हैं। थैंक यू जी, सलाम वालेकुम।